अभिषेक शर्मा छत्तीसगढ़ कैडर के 2018 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अपने तीसरे प्रयास में 69वीं रैंक के साथ उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। वर्तमान में वे इंटर कैडर डेपुटेशन पर अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं। आईएएस अभिषेक शर्मा का जन्म 19 नवंबर 1993 को हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई जम्मू में ही हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूल में हुई। 10वीं में उनके 90.2% अंक आए, जबकि 12वीं उन्होंने 93.3% मार्क्स से उत्तीर्ण की। 12वीं के बाद उन्होंने AIEEE, जम्मू कश्मीर कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट, JKCET, गेट और JKSSB जैसी परीक्षाएं क्लियर की। साल 2014 में उन्होंने GCET जम्मू से 76% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया। अभिषेक शर्मा की माँ SDM कार्यालय में क्लर्क थी। जब वे अपनी माँ से मिलने उनके ऑफिस में जाते तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का काम और रुतबा देखते। ये देखकर वे भी प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए प्रेरित हुए। उनकी माँ की भी इच्छा थी कि उनका बेटा IAS ऑफिसर बने। ग्रेजुएशन के बाद अभिषेक UPSC की कोचिंग के लिए दिल्ली चले गए। यह 3 महीने की कोचिंग में उन्होंने तैयारी की स्ट्रेटजी, परीक्षा मटेरियल और पैटर्न को समझा। हालांकि दिल्ली में मन नहीं लगने के चलते 3 महीने के बाद अभिषेक अपने घर लौट आए और अपने गांव में ही UPSC एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी करने लगे। इस दौरान बर्फबारी के चलते एक बार उनका गाँव बाकी जगहों से कट गया। इस दौरान गांव में न बिजली थी और न ही न्यूज़पेपर, जिसके चलते करंट अफेयर्स की तैयारी में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली से वापस आकर कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। अपने पहले प्रयास में अभिषेक ने प्री और मेंस परीक्षा क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल सके। अंग्रेजी में साक्षात्कार देने के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट काफ़ी कमज़ोर था। इसके बाद इंग्लिश मजबूत करने के लिए उन्होंने अखबारों का सहारा लिया। दूसरे प्रयास में उन्होंने हिंदी मीडियम से परीक्षा दी, लेकिन उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में सारी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने 69वीं रैंक के साथ UPSC एग्जाम क्रैक कर लिया और IAS अधिकारी बने। अभिषेक शर्मा को छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ। उन्होंने 27 अगस्त 2018 को IAS की सर्विस ज्वाइन की। वे लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में फील्ड ट्रेनिंग के लिए सहायक कलेक्टर नियुक्त हुए। वे कोरबा जिले के कटघोरा अनुविभाग में SDM भी रहे। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां IAS अधिकारियों की कमी को देखते हुए वन टाइम डेपुटेशन स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 3 साल की सेवा पूरी कर चुके IAS अधिकारी 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर डेपुटेशन पर जा सकते थे। इसके तहत अभिषेक शर्मा इंटर स्टेट कैडर डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर चले गए। वर्तमान में वे जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NPG न्यूज़।